अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो एंड माय चैनल। आज हम देखेंगे मैक ओएस जो है वो हम कैसे वर्चुअल मशीन बना के वर्चुअल बॉक्स से जो जिसका ऐप का नाम है VMware, उससे हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और इस कंप्यूटर विंडोज़ पीसी में, इंटेल का पीसी में हम इसे कैसे रन करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए चार फाइल्स जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जिसमें दो फाइल्स ISO रहेंगे और दो फाइल ZIP रहेंगे। दोनों ZIP फाइल्स को हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। पासवर्ड फाइल का पासवर्ड 123 है, आपको जिसमें भी पासवर्ड होगा 123 आप इंटर करें, वो ओपन हो जाएगी। तो VMware पहले हमें इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं हम पहले। तो डबल क्लिक करके यस पे क्लिक करना है, और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत सारी, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ। मैंने पहले भी इसका वीडियो अपलोड कर रखी है, ये न्यू वर्ज़न है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, सारा चीज़ एज इट इज़ रहना चाहिए। नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है, बाकी का प्रोसेस हो जाएगा खुद ब खुद। थोड़ा सा वेट कर लेना है हमें ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमें डाउनलोड करना है सारा फाइल, सेकेंड स्टेप हमें एक्सट्रैक्ट करना है, थर्ड स्टेप VMware इंस्टॉल करना है, और ये थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ स्टेप हमें अनलॉकर का जो एक्सट्रैक्शन फाइल रहेगा, पहले तो हम इसे री एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं और इसे हम री एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। ये हमें इस पर आना है, फाइल पे हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे करना है क्लिक, और ओपन हो जाएगी। पैच पे हमें क्लिक करना है, और इसमें आपको ये ख्याल रखनी है कि ये जो फाइल हमारा होगा तो इस पे जब पैच होने लगेगा तो इस दौरान ड्यूरिंग इंटरनेट कनेक्ट होनी चाहिए, ये हमारा इंटरनेट कनेक्ट है, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट फाइल्स होगी वो सारा इसे ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेगा। जब तक ये पैच हो जाता है तब तक हमें वेट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है, आउटू अनलॉकर को पैच करना, ठीक है, VMware से। तो ये हमें पैच हो ही गया है, ऑलमोस्ट ये हो गया है। ओके पे क्लिक करना है, इसे क्लोज कर देना। अब हम फिफ्थ स्टेप पे आते हैं, VMware को ओपन करना है और हमें इस पर मशीन क्रिएट करना है। तो क्रिएट हम मशीन करते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा, रिकमेंड जो है वो उस पर ही रहने देते हैं। और यहाँ ये तीन ऑप्शन है, हमें थर्ड वाले पे करना है, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये एप्पल मैक ओएस पे ही टिक रहेगा, और हमें जो है वो यहाँ पे 13 वर्जन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम मैक ओएस 13 ही रहने देते हैं। यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन का लोकेशन रहेगा वो हम एज़ इट इज़ रहने देते हैं, आप अपना लोकेशन देख लें। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये एज़ इट इज़ रहेगा, आप अपना डिस्क का साइज आप देख लें क्या चाहिए आपको, और फिर हम जो है वो इस पर फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा मशीन क्रिएट हो गया है। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करनी है, इसमें मैंने एक पहले से ये कर रखा था बट इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा फाइल जो है वो क्रिएट मशीन जो है, तो ये हमारा मशीन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ एडिट करने हैं, कुछ अपग्रेड करनी है। तो हम एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में जाते हैं। पहला तो हमें रैम इसमें बढ़ा लेनी है, मेरा मैक्सिमाइज रैम 16 GB का है, तो हम इसमें इतना रहने देते हैं, आप अपना सिस्टम के हिसाब से आप देख ले। दूसरा हमें प्रोसेसर का कोर हमें बढ़ानी है, तो ये हम कोर 4 कोर हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद चौथे वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, CD/DVD सेटा में, और यूज़ ISO इमेज फाइल पे हम जाके जो हमने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया है फाइल वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, देन फिर हम इस पर ओके कर देंगे। अब इसमें चौथा मतलब अगला सेटिंग ये करना है, इसमें अगर आपका VMware वर्क स्टेशन 17 है तो ये सेटिंग आपको नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं वो बता देता हूँ। आप ओपन VM डायरेक्टरी पे जाइए और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विथ पे जाना है, चूज़ अनदर ऐप और मोर ऐप्स, और नोट पैड पे हमें ओपन करना है। ईथरनेट वर्चुअल पे आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आ जाए, और यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रहा हो, अगर इस सेटिंग्स में आपका ये वैल्यू ना हो तो आप इस वैल्यू को उसमें इंटर करके फाइल को सेव करनी है। सेव करके इसे कट करना है, और हमें पावर ऑन हमारा यानी वर्चुअल मशीन का पावर ऑन कर देनी है।
ये बूट जो है वो मैक ओएस का ISO बूट कर गया है। थोड़ा सा हमें इसमें वेट करना है ताकि हमें जो भी फुल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो वो हमें इसमें शो हो, तो थोड़ा सा वेट करना। तो हमारा ये मैक ओएस बूट हो चुका है। अब हमें इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके हमें नेक्स्ट करना है। ये हमने नेक्स्ट कर दिया है। अब जो है हमें अगला प्रोसेस ये करना है, डिस्क यूटिलिटी में जाके हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें यहाँ पे आपको अन इनिशियलाइज आपको शो हो रहा होगा, तो हमें जो है वो इसे माउंट करना है हमें इसमें। तो इरेज पे क्लिक करके हम यहाँ अपना डिस्क का नेम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं और ये जो दो ऑप्शन है ये एज इट इज़ रहेगा और इरेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑलमोस्ट फ्यू सेकंड्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर डायरेक्टली हमें इसे कट करना है, फिर दूसरे वाले नंबर पे क्लिक करके हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर से हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। थोड़ा सा हमें वेट करना है, इसमें कुछ प्रोसेस होगा, देन फिर हमें जो इसका एग्रीमेंट होगा वो पढ़ना है या एज योर वॉइस आप पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अगर इस पर एग्री करके अगर आपको आगे बढ़ना है तो एग्री करना ही पड़ेगा। तो ये एग्री करना है, देन फिर हमें डिस्क सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इस पर इंस्टॉलेशन का टाइम रिमेनिंग 17 मिनट्स आपको शो हो रहा होगा, तो हमें इस पर ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलेशन स्टेप हो गया है। अब यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलेशन स्टेप होगा, यहाँ पे भी कुछ टाइम टेकिंग है तो यहाँ पे भी हमें वेट करना होगा, तो हम वेट कर लेंगे। Mac OS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. तो हमारा कंट्री इंडिया है, हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये लैंग्वेज परफॉर्मेंस वैसे ही रहने देते हैं और ये भी नोट नाउ पे हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये हमारा बैकअप का सरफेस है, बैकअप का ये हमारा ऑप्शन है, तो हम इस पर नोट नाउ करेंगे बिकॉज़ हम ये न्यू मशीन इंस्टॉल किए हैं। और एप्पल आईडी जो है वो अगर आपके पास है तो कंटिन्यू रखें, अदरवाइज़ हम सेटअप लेटर पे क्लिक करते हैं और स्किप पे क्लिक करेंगे। बाकी जो टर्म एंड कंडीशन है हमें एग्री करनी होगी, एग्री कर लेते हैं। देन इसमें हमें अकाउंट बनाना होगा, पासवर्ड हमें दोनों में सेम डालनी है, पासवर्ड हिंट हम कुछ रख लेंगे और अकाउंट पे क्रिएट क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है प्रोसेस में। अब हमें एनेबल लोकेशन पे क्लिक करके हमें कंटिन्यू करना है ताकि हम आगे का प्रोसेस कर ले, और फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटअप लेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पे हम लाइट ही लुक रहने देते हैं, या जो लुक्स का ऑप्शन है हम यहाँ पे लाइट रहने देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम इसे डायरेक्टली जो फीडबैक असिस्टेंट है उसे कट करना है और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसे हमें इजेक्ट कर देना है। ये हमारा हो चुका है इंस्टॉल। अब जो है इसमें फाइनल स्टेप ये करना है कि हमें इसमें हमें कुछ टूल्स करना है इंस्टॉल,
तो ये जो हमारा 4 नंबर वाला फाइल है, इसे हमें उसमें ये करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे वर्चुअल मशीन में, हम VM में जाएंगे और यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे और CD DVD डेटा में जाके यहाँ पे जो यूज़ ISO फाइल है उसमें हम फिर ब्राउज पे क्लिक करके वो हमारा फाइल जो है 4th नंबर वाला उस पर हम ओपन कर लेंगे और ओके कर देंगे। देन अगेन हम फिर से VM में जाएंगे और रिमूवल डिवाइस पे जाके हम CD DVD सेटा को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जो है वो शो होने लगेगा। इंस्टॉल VM टूल्स पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इस पे हमारा पासवर्ड इंटर करना है जो हमने इसका पासवर्ड बनाया था और ओके पे क्लिक करना है और आगे हम देखते हैं। थोड़ा सा वेट करना होगा, इसमें हमें जाना है सब प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से पासवर्ड डालना है और हमें अनलॉक करना है और रिस्टार्ट पे नोट नाउ करना है। फिर हमें इसे कट करना है और इसे क्लोज करना है, फिर से डबल क्लिक पे क्लिक करना है और फिर से इंस्टॉल का प्रोसेस हमें चलाना है। पासवर्ड वही डालना है हमें और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे चलेगा। थोड़ा सा वेट कर लेना है और ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब रिस्टार्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं ताकि हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो भी हो जाए। कंप्यूटर जो है वो हमें यानी macOS हमारा से ओपन कर लेनी है। सिंपली हम इसे कट करेंगे और इसे इजेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस पे हमारा जो है वो पूरा फुल स्क्रीन और फुल प्रीव्यू जो है वो हमारा इसमें शो कर रहा है, ठीक है। इसे हम इजेक्ट कर देंगे ताकि हमारा शो हो। अब जो है आप इसमें कुछ भी और यूज़ कर सकते हैं। ऐप स्टोर यूज़ करने के लिए तो आपको इसमें एप्पल ID क्रिएट करना पड़ेगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं एक और अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो वीडियो पसंद आई हो, जो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के काम में हो, तो उसे आप शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।